ऐसा नहीं है कि यह खगोलीय घटना पहली बार हो रही है, पृथ्वी के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। आज से करीब 44 साल पहले भी एक मिनी मून देखने को मिला था। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ी है और साथ ही आश्चर्यों से भरी पड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं कई ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है जो हमारे लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात होती है। वर्तमान समय में अगर हम आकाश में झांके तो हमें एक ही चांद नजर आता है, परंतु सितंबर महीने में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिससे हमारी धरती के दो चांद हो जाएंगे। ऐसा 29 सितंबर के बाद से होने वाला है। इसकी पुष्टि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने की है। आइए जानते हैं कि आखिर धरती के दो चांद कैसे करके होंगे और इसका हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम जिस चांद की बात कर रहे हैं उसे दुनिया मिनी मून के नाम से जानती है। दरअसल अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का कहना है कि एक दुर्लभ खगोलीय घटना के चलते पृथ्वी को एक अस्थायी मिनी मून मिलने वाला है। यह मिनी मून 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक दिखाई देगा। आपको बता दें कि धरती का यह मिनी मून एक उल्कापिंड है जिसे वैज्ञानिकों ने 2024 PT5 नाम दिया है। एस्ट्रॉइड 2024 PT5 को 7 अगस्त 2024 को खोजा गया था। इस एस्ट्रॉइड का आकार महज 10 मीटर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह एस्ट्रॉइड 29 सितंबर को धरती के इतना नजदीक आ जाएगा कि यह धरती के गुरुत्वाकर्षण में कैद हो जाएगा। इसके बाद हमारे चंद्रमा की तरह ही यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्ट्रॉइड 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा और फिर यह पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एस्ट्रॉइड की वजह से उन्हें धरती के ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, परंतु साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह एस्ट्रॉइड आकार में इतना बड़ा नहीं है कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सके। यहां तक कि इसे सामान्य प्रकार के दूरबीनों से भी नहीं देखा जा सकेगा। धरती के इस दूसरे चांद को सिर्फ एडवांस ऑब्जर्वेटरी से ही देखा जा सकेगा।